और बाय सेल लेवल का फाइल बनाया हूँ, तो जो रेगुलर बेसिस पे मैंने जिसके थ्रू मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी और इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का लेवल देता हूँ, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा बेस्ट सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर शेयर करता हूँ, तो उसको आप लोग को आज का परफॉर्मेंस मैंने दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये काम करता है और कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, आज मैंने कल का जो मतलब अगला दिन जो मैंने फाइल शेयर किया था उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने जो करंट डाटा है आज का एंड में जो करंट डाटा है एनएस इंडिया साइट से मैंने डाउनलोड करके इधर दे दिया है। तो मैंने आप लोग जानते हैं इसमें क्या क्या है, बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2, बाय सेल लेवल 3। तो आप लोग मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो और पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीन करना है। तो इसमें बाय सेल लेवल 1 में भी दिया हूँ और बाय सेल लेवल 4 में दिया हूँ, जो मेरा बाय सेल लेवल 3 जो बाय सेल लेवल 3 मेरा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये है, तो इसको देखता है उसको सबसे मोस्ट रिकमेंडेड जो लेवल है। तो इसमें देखिए फर्स्ट मैंने एक तो देखता हूँ, देखिए एसीसी मैंने फर्स्ट को देखता हूँ, देखिए सेल अप ट्रेंड में इसको मैच किया है, तो सेल अप ट्रेंड में इसका लेवल था 1477 और इसका लो आज का लो बना है 1470। और इसमें चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर एंट्री लेना हो सकता था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये 484.4 इसमें ओपन हुआ था 1484 में, उसके बाद ये 4.1470 तक लो आया है, तो इसमें आप लोग आसानी से प्रॉफिट आ सकता था, ठीक है। और इसको आप लोग को आसानी से प्रॉफिट आ सकता था। और वैसे लेवल कम जो 1 में आप लोग यूज़ करते थे, तो इसमें बाई और सेल लेवल दोनों साइड में मैच किया है, तो बाई का लेवल था 1485, वो आज का हाई हुआ है 1492, इससे भी आप लोग को प्रॉफिट आ सकता था। 1484 के ओपन होने के बाद ये 1492 गया था और 1470 लो हुआ था। मैंने कुछ भी देख लेता है एक बार, देखिए ये जो है भारत फॉर्ज में ये बाय सेल लेवल दो साइड में मिला है, बाय सेल लेवल 1 में इसमें 454 हाई हुआ है और 438 लो हुआ है, तो इसका बाय लेवल था 443 में और 458 हाई मारा है और 440 में इसका सेल लेवल था, ये 438 है लो हुआ है, तो उसको भी एक बार चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए ओपन हुआ था 441 में, उसके बाद 458 हाई हुआ था, तो उसके बाद 438 लो हुआ है, तो इससे आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस लेवल पे देखेंगे तो इस लेवल पे भारत फॉर्ज मतलब जो बाय सेल लेवल 3 है इस फाइल में से भी मिला है कि नहीं मिला है एक बार चेक कर लेते हैं, कोई लेवल आया था कि नहीं आया था। 25 हाँ, इसमें सेल का लेवल था, इधर सेल का लेवल में सेल का लेवल था इसका 446, वो भी आप लोग को इधर से मिल जाता था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मैंने और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ। सोच लीजिए ये डीवी स्लैब है, डीवी स्लैब बाय सेल दोनों साइड में मिला है, 1822 इसका हाई हुआ है, 1780 इसका लो हुआ है, बाय सेल आप लोग दोनों साइड में ट्रेड कर सकते थे, कैसे हो सकता था देख लेते हैं एक बार। 1798 उसके बाद 1882 हाई हुआ है,
और इधर सेल लेवल था 1785, इधर 1780 लो हुआ था। तो डीबी स्लैग को एक बार देख लेते हैं कहाँ पर ओपन होके कहाँ पर गया था। देखिए 1784 में ओपन होके 1780 तक शायद इसका लो में आप लोग नहीं घुस पाते थे क्योंकि ये नीचे आता आ जाता था। उसके बाद ये 1822 तक ये गया था, हाई हुआ था। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते थे, ऐसे करके आप लोग ट्रेड कर सकते थे। और इधर मैंने बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए निफ्टी 31612, इसका बैंक निफ्टी 31612 और 201 इसका लो हुआ है। ये बाई साइड नहीं आया है लेकिन सेल साइड में आया है। और बैंक निफ्टी सेल्स बाई और सेल साइड दो साइड में आया है, जो बाई सेल लेवल कम स्किनर में जो बाई सेल लेवल 1 है। तो देख लेता है एक बार। देखिए 623 से इसका हाई था लेकिन 612 तक आज हाई गया है। तो इसका बाई लेवल आज नहीं मैच किया तो सेल लेवल मैच किया है 473 से, उधर से 201 इसका लो हुआ है। तो देखता है एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। इधर देखिए 374 में ओपन हुआ, ओके 612 हाई हुआ है, 201 में ये लो हुआ है। तो इधर से भी आप लोग को आसानी से प्रॉफिट हो सकता था। और इधर बैंक निफ्टी का 12006 में इसका बाई लेवल था, 12011 तक गया था और 12968 में इसका सेल लेवल था। इसका सेल लेवल था ये 895 तक, 968 895 तक ये लो हुआ है। आप लोग भी इधर से चेक कर सकता है, इस फाइल से भी चेक कर लेता है एक बार, इस फाइल से भी एक बार चेक कर लेता है। इधर दोनों साइड में सेल का ही लेवल आया है, वाई का लेवल नहीं आया है। तो सेल का लेवल इसका क्या था, 31,552 और 11,988। तो इसके बाद लो कितना हुआ आप लोग देख ले सकते हैं इधर से 11,895 और 11,201। तो ऐसे करके आप लोग ये इसको इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने बहुत बार बोलता हूँ, मैंने दो बाई सेल लेवल बनाता हूँ, एक बाई सेल लेवल कम स्किनर जिसमें बहुत सारा स्किनर भी रहता है और तीनों बाई सेल लेवल रहता है, बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2, बाई सेल लेवल 3। इसमें बाई और इसमें दो सीट रहता है, तीन चार सीट रहता है एक्चुअली, जो बाई सेल लेवल फर्स्ट सीट में बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3 रहता है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर है जो आप लोग आसानी से इसको स्क्रीनिंग करके आप लोग मार्केट से बहुत आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इंडिकेटर देखे आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारा मूविंग एवरेज 10, 20, 5, 5, 34, BWAP, ये सब मूविंग एवरेज 12, 26, 9, इसका क्रॉस ओवर इसका रहता है। प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो ये करके आप लोग देख सकते हैं। इधर इस सीट में ऑनली बाई सेल लेवल 3 रहता है, बाई सेल लेवल 3 को मैंने डिवाइड किया अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड में भी बाई सेल लेवल रहेगा और डाउन ट्रेंड में भी बाई सेल रहेगा, क्योंकि अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सेफ रहेगा, डाउन ट्रेंड जब अप ट्रेंड जब नीचे आके डाउन में आएगा तो कौन सा लेवल पे इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, और डाउन ट्रेंड का स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे इसको एंट्री लेना सही रहेगा और कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स है, इधर से आप लोग को दिख जाएगा। इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। ये वैसे लेवल 3 में आप लोग एक बार अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पकड़ लेंगे तो ओनली अप ट्रेंड का वैसे लेवल देखना है और डाउन ट्रेंड जो होगा ओनली डाउन ट्रेंड का वैसे लेवल देखना है, उल्टा नहीं करना है। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट से। तो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकता है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिए मैंने ये इसमें फ्री ट्रायल देता हूँ, इसमें आप लोग को फ्री ट्रायल मिलेगा। ये आप लोग को जो इसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा इधर से, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन।